दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएफएस नहीं है, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। चार देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, चार देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहां अच्छा? सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए, फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को अभी आप मिले, गिरी जी से, वाई बी गिरी, यहां के सबसे बड़े कानून विदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहां हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहां हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए हैं कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा, हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि बिहार जीतने से बिहार नहीं बदलेगा, बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए।